कोलकाता में 4 लोगों की हत्या कर दी गई। आधी रात को घटनाएं घट रही है। मृतकों के शरीर से कई अंगों को बेरहमी से काट दिया गया है, इसलिए पहचान की प्रक्रिया में देरी हो रही है। पुलिस की तलाश जारी है, लेकिन अभी तक कोई पकड़ा नहीं जा सका है। कई लोगों से पूछताछ की जा रही है। ऐसा लगता है कि एक विशेष जांच दल का गठन किया जाएगा। विनय यार, ये सब खबरें मत देखो। हम लोगों ने जो भी किया है वो जरूरी था, वरना हम दोनों भी अपने बाप दादा की तरह आदमखोर बन जाते। अब ये सब मत सोचो और जल्दी से रेडी हो जाओ। हमें कोलकाता छोड़ के गौरबेता जाना है, और तुम अपने काला जादू के सारा चीजें ले लो। मैं ह्यूमन ऑर्गन्स ले लेता हूँ, ठीक है? चलो जल्दी से रेडी हो जाओ। नहीं, तुम नहीं जानते हो कि हम लोगों ने क्या किया है, और अभी हम लोग उस राक्षस को जिंदा करने जा रहे हैं। अंजाम क्या होगा ये सोच के ही मैं घबरा जाता हूँ। तुम्हें क्या लगता है, हम लोगों ने जो किया है वो सही है? बात को समझो, हम दोनों श्रापित हैं। हम दोनों को जिंदा रहने के लिए इंसान को मार के खाना पड़ता है। श्राप लगा हुआ है हमारे खून में, और उस पुतले को भी खिलाना पड़ता है, उस बकासुर को। इस बार उसको जिंदा कर देते हैं तो श्राप मिट जाएगा, फिर वो बकासुर जो मर्जी करे, हमें क्या? इंसानियत खत्म कर देगा वो। एक बार जिंदा हो गया तो फिर उसे मारा नहीं जा सकता। इसके सिवा कोई रास्ता नहीं है। हम लोग इस तरह बाकी की जिंदगी नहीं गुजार सकते। चलो अभी हमारे पुराने इस हवेली को छोड़ के अभी हम लोगों को जाना पड़ेगा। पुलिस चारों ओर मर्डरर को ढूंढ रहे हैं। हमें जल्दी से कोलकाता से निकलना होगा। पता नहीं क्या क्लू लगा होगा उनके हाथों। रात के 2 बजे से पहले हमें बकासुर के उस गुहा तक पहुंचना है। गर्भिता का इस जंगल को जल्दी से पार करो, वहां बाकी सब भी वेट कर रहा है हमारा। उस दानव को जिंदा करने के लिए प्रथा शुरू हो गया होगा। हमारे कलेक्ट किए हुए सारे ऑर्गन और बकासुर का पुतला देना होगा। हमारे संघ के लोग हमारे साथ हैं, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। हम सब तुम्हारी ही प्रतीक्षा में थे। जो जो मनुष्य के अंग लाने के लिए कहा था लाए हो, और बकासुर का अंतिम चिन्ह वो पुतला। हाँ, लाए हैं। इस चक्रव्यूह के बीच उस पुतले को रखो, और सारे अंग को 10 दिशाओं में सजा के रखो। अब इस पुतले का खून जमीन पर गिरते ही जन्म लेगा बकासुर। आज कोलकाता की सबवे में एक आदमी का शव मिला है। मृतक के शरीर का मांस किसी जानवर ने खाया है, ऐसा लग रहा है। दिल दहला देने वाला इस घटना से सभी डरे हुए हैं। केस की गंभीरता को देखकर पुलिस कमिश्नर ने प्रदोष चंद्र मित्र को ये केस की जिम्मेदारी दी है। अब देखना ये है मिस्टर मित्र यानी कि फेलुदा इस केस को कैसे सॉल्व करते हैं।